राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार को सरकारी स्कूल के दो छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। एक छात्र ने दूसरे पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद उदयपुर में काफी तनाव फैला हुआ है। हिंदू संगठनों ने शहर के सभी बाजारों को बंद कर दिया और शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ की। सड़कों पर खड़े कई वाहनों में आग लगा दी गई और पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया है। दरअसल उदयपुर में एक सरकारी स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र पर उसके सहपाठी ने ही चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस के मुताबिक घायल छात्र जिला अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई यानी आईसीयू में फिलहाल भर्ती है। प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, जबकि हालांकि वारदात के पिछले की वजह से खुलासा नहीं हो पाया। उदयपुर के जिलाधिकारी अरविंद पोसवाल ने बताया कि घायल छात्र का अस्पताल में उपचार लगातार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही हिंदू संगठनों के सदस्य शहर के मधुबन इलाके में एकत्र हुए और विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस के मुताबिक उग्र भीड़ ने एक गैरेज में खड़ी 3-4 कारों में आग लगा दी और पथराव किया। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आरोपी को पकड़ लिया गया है और उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने के और शांति बनाए रखने की अपील की है। घटना सूरजपोल थाना क्षेत्र में सुबह 10:30 बजे की है। घायल छात्र को शिक्षक MB अस्पताल ले जाए गए, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। घटना से आक्रोशित हिंदू संगठनों ने चेतक सर्किल, हाथी पोल, अश्विनी बाजार, बापू बाजार और घंटाघर एरिया के दुकानों को बंद करवा दिया है। शहर के सभी पेट्रोल पंप फिलहाल के लिए बंद हैं। आक्रोशित लोगों ने सदारापुर इलाके में एक गैरेज के सामने खड़ी कारों के अलावा हाथी पोल क्षेत्र में खड़े वाहनों में भी तोड़फोड़ की और उनमें आग लगा दी। कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने धारा 144 फिलहाल लागू कर दी है और कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने बताया कि हमले पर फरार हुए नाबालिग छात्र को डिटेन कर उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के बीच पहले क्या विवाद हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जब लंच हुआ तो दोनों के बीच स्कूल के बाहर झगड़ा हो गया और इसी झगड़े में एक स्टूडेंट ने दूसरे की जांघ में चाकू से 2-3 बार वार कर घायल कर दिया। घायल स्टूडेंट चिल्लाने लगा तो टीचर दौड़कर बाहर आए और स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि लंच के करीब 5-7 मिनट बाद अचानक स्कूल के बाहर से कुछ छात्र चिल्लाते हुए दौड़कर अंदर आए। मैंने तुरंत जाकर देखा और हैरान रह गई, स्टूडेंट घायल अवस्था में था। स्कूटी पर बैठकर स्टाफ ने उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि हाथीपोल, भट्टाइनी, चौहट्टा और आसपास के इलाकों के अलावा तनावग्रस्त इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। गोयल के मुताबिक हालात तनावग्रस्त हैं, किंतु काबू में है। घायल छात्र का उपचार लगातार जारी है, जबकि उन्होंने लोगों से शांति कायम रखने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि वो तोड़फोड़ और आगजनी जैसी वारदात ही ना करें। आरोपी के खिलाफ न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। दोनों बच्चों के बीच झगड़ा किस बात पर हुआ इस मामले में पूछताछ लगातार जारी है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। दो बच्चों में आपस में कोई लड़ाई झगड़े की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें एक बच्चे के जो है जांग पे चाकू से वार किया गया, जिसमें क्योंकि वो चाकू थोड़ा डीप था इसलिए बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल में रेफर किया गया। मैं अभी बच्चे को देख के आया हूँ। बच्चे का जो प्रारंभिक इलाज था, आईसीयू में बच्चा एडमिट है और बच्चे की स्थिति स्थिर है। और मैं सभी से, क्योंकि ये आपस पुलिस जो है जांच पड़ताल करिए इस प्रकार की घटना क्यों घटी, मैं सभी नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह पे ध्यान मत दें। सारे प्रशासन, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी से बातचीत चल रही है और जिस व्यक्ति ने वार किया है उसको और उसके पिताजी दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा इसमें कोई और बच्चा भी या कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो उसकी भी जांच की जा रही है। कोई भी व्यक्ति जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा और इस प्रकार की घटना क्यों हुई इसके बारे में भी समाज से मिलके और स्कूल से मिलके बात की जा रही है। तो मैं पुनः आपसे अपील करता हूँ सभी से कि किसी भी व्हाट्सएप पे किसी प्रकार की कोई अफवाह आती है तो एक बार प्रशासन से वेरीफाई करें
क्योंकि ऐसे समय पे कुछ लोग हो सकता है कि माहौल ख़राब करने की कोशिश करें, तो हम सब नागरिकों का एक कर्तव्य है कि किसी को भी ऐसा अवसर नहीं दें। और जो हमारे शहर उदयपुर जो हमारी शांति के लिए और के लिए जाना जाता था, वैसा माहौल हमेशा रहे। और जल्दी जैसे कोई और सूचना आएगी तो हम मीडिया के माध्यम से आप लोगों को अपडेट करेंगे। फिलहाल अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है और बच्चे की स्थिति जो है वो स्टेबल है, बच्चा स्टेबल। सर, शहर में किस तरह से माहौल है, सुरक्षा व्यवस्था को क्या पुख्ता किया? अभी सुरक्षा व्यवस्था जैसी कोई स्थिति नहीं है, पर फिर भी कोई एंटी सोशल एलिमेंट माहौल ख़राब नहीं करे, इसके लिए हम सभी संगठनों से बात कर रहे हैं। हमारी पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम भी जा रही है, क्योंकि होता क्या है कि भीड़ में 100 लोगों में कई बार दो ही लोग होते हैं जो माहौल ख़राब कर देते हैं, बाकी लोग माहौल ख़राब करने के लिए नहीं आए होते हैं। तो वैसे लोगों से हम सभी को सचेत रहना है, और ऐसा आदमी हमारे बीच में कोई आए तो इमीडिएटली सूचना पुलिस को देनी है और विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो की जा रही है।